क्या पास कर रहा हूँ क्या पास कर रही है ना मास्टर बुक ले और चीज ले मेरे से हाथ में आया था मैं बोल दूँ कल मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भेजा था पार्ट ए का, उसमें तीन प्रश्न थे, वो तीनों प्रश्न शायद उसके उत्तर भी लिखे थे, वो उत्तर भी आपको पता लग गए होंगे कौन से क्या उत्तर है। तो एक बार अपन उन क्वेश्चन को जो तीन क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न था कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। ये पहला प्रश्न था जो आपकी मोबाइल में मैंने भेजा था, आपने कॉपी में लिख लिया होगा। इसका मतलब क्या है, कौन सा पात्र आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो वंशी है जो कि कहानी का मुख्य पात्र है, उसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। क्यों किया, क्योंकि वो ईमानदार था, कर्तव्यनिष्ठ था और आगे बढ़ने की इच्छा जरूर थी लेकिन गलत तरीकों से, तो सब बहुत सारी अच्छाइयां थी। एक वो नमक विभाग का दारोगा बना, लेकिन उस विभाग में रहते हुए भी उसने अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ा, वो उन अच्छाइयों को लेकर चलता है। एक कमल किया जैसे कमल कीचड़ में झुकता है लेकिन कीचड़ का एक दाग भी उस कमल पर नहीं लगता, वैसे ही वंशीधर का चरित्र भी है एक कमल के समान। अगर हम उसी के चरित्र से कुछ सीखना चाहें तो समस्याएं आती है और समस्या से हम घबरा जाते हैं, लेकिन वंशीधर के इस चरित्र ने हमको एक सीख दी। तो ये सीख है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो हमें अपनी अच्छाइयों को अपने गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी ना कभी इसका फल जरूर मिलता है। जैसे वंशीधर आपने देखा होगा कहानी के अंत में अलोपीदीन ने उसको अपनी सारी जायदाद सौंप दी थी, उसका मैनेजर नियुक्त कर दिया था, यानी जो कुछ उससे छीन गया था उसे वापस परमेश्वर ने वापस बहुत आयत के रूप में उसको दिया था। तो ये उसकी अच्छाइयों का उदाहरण है। वंशीधर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है जो हमको प्रभावित करता है, क्यों करता है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है और अपने गुणों को लेकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है, यही वजह है कि वह सर्वाधिक प्रभावित पात्र है। दूसरा प्रश्न हमने दिया था नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू, यानी पक्ष उभर कर अलोपी दिन का चरित्र में वो दो पक्ष पूछना है, कौन से दो पक्ष है। तो अलोपी दिन का जब हमने चरित्र पढ़ा, आपको सार लिखा हुआ है उसमें, उसका पहला जो उसका चरित्र है, जो उसका पक्ष है वो है भ्रष्टाचारी व्यक्तित्व। भ्रष्टाचारी व्यक्तित्व का मतलब क्या है, किसी को भी खरीद ले, अपने पैसे की ताकत से अपना काम बना ले, ये लोगों की नीति आदत। जैसा कि उसने किया, उसने वंशीधर को खरीदने की कोशिश की। इसके बाद जब वो न्यायालय में पेश हुआ तो सब उसके खरीदे हुए थे, इसलिए न्याय किसके पक्ष में चला गया, अलोपीदीन के पक्ष में चला गया। तो ये उसका एक पहला व्यक्तित्व था जो भ्रष्टाचारी व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आ। दूसरा व्यक्तित्व है कि वो गुणों का पात्र था। कैसे था, क्योंकि उसके अंत में जिस दरोगा ने उसकी इतनी बेइज्जती की थी, उसको गिरफ्तार किया था, लेकिन उसी दरोगा को उसने अपनी सारी जायदाद का मैनेजर किया। क्यों, कारण क्या, क्योंकि उनको वंशीधर की उस गुणों की परख हो गई कि वो व्यक्ति चाहे कैसी भी कर सकती बिक नहीं सकता। इनका मतलब क्या है, ईमानदार है, अपने कर्तव्य पर चलने वाला व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति दुनिया में बहुत कम होते हैं, और आज जब ऐसा व्यक्तित्व मेरे सामने है तो मैं क्यों ना इस पर अपनी जिम्मेदारी दूं। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है उसको दुनिया वैसे ही देखती है। उसे लगता था कि अगर मैं किसी पर विश्वास करूंगा तो जैसे मैं धोखा देता हूँ
वैसे वो भी मुझे रोका नहीं सकता, लेकिन जब पंछी था उसके सामने आया और बिना डरे उसने अपनी कार्यवाही पूरी की, कानों के दिन के सामने एक ऐसा व्यक्ति उभर आया जो शायद ना हो, कि वही वजह थी कि उन्होंने अपनी जायदाद का मैनेजर उन्हें नियुक्त किया था। तो दो व्यक्तित्व है, पहला व्यक्तित्व अलौकिक दीप का भ्रष्टाचारी व्यक्तित्व है, दूसरा है गुणों का पारखी या गुणग्राही यानी गुणों की समझ लेने वाला व्यक्ति। ये हमारे दो प्रश्न है। तीसरा हमने लिया था कहानी के अंत में अलौकिक दीप के पक्षी घर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कथा कहानी का अंत किस प्रकार है, यानी अलौकिक दीप ने पक्षीघर को अपनी सारी जायदाद का मैनेजर नियुक्त किया, उसके बाद उसके लिए क्या कारण थे। तो पहले तो अगर हम दोनों प्रश्नों को देखें तो वो दोनों प्रश्न का उत्तर इस तीसरे में है। कैसे अलौकिक दीप बुद्ध व्यक्ति खराब था, भ्रष्टाचारी व्यक्ति था, रिश्वत देने वाला व्यक्ति था और दो नंबर का काम करने वाला व्यक्ति था, गलत काम करने में वो माहिर था, इसलिए उसको सब लोगों की समझ नहीं थी। उसके आसपास जो लोग उसकी इतनी जीवजूनी करते हैं तो ये केवल पैसे के तौर पर, पैसा मिलता है इसलिए जीवजूनी करते हैं, पैसा नहीं मिले तो उसकी, इसलिए उनको ये बात समझ में आती है। पंछी घर को उन्होंने अपनी सारी जायदाद का मैनेजर इसलिए भी नियुक्त किया था कि पंछी घर ने अपनी ड्यूटी निभाई थी और उनकी ईमानदारी से निभाई थी, अपने कर्तव्य को पूरा किया, वो पैसों के आगे नहीं बिका। चाहे वे मंचीधर आरोपी दीप ने उनको बहुत लालच दिया लेकिन फिर भी वो उन लालच में नहीं आया और उसने उनको गिरफ्तार किया और उनको न्यायालय में पेश किया। चाहता तो पैसों से सब कुछ खत्म हो सकता था और आरोपी दीप उसको और ज्यादा पैसे दे सकता था, जैसे कि उनके पिताजी ने कहा था कि प्रिया आने दे, प्रिया आने से उसको बरकत मिलती है, वो परमेश्वर की इच्छा से मिलता है, ऐसा उन्होंने सीख दी थी। तो ये सब कुछ हो सकता था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अब वो अपने कर्तव्य और ईमानदारी के पथ पर अग्रसर रहे। यही वजह थी कि अलौकिक दीप ने उनको अपने सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। ये तीन प्रश्न है जो मैंने आपको मोबाइल में लिख के भेजे थे, इसको कॉपी में उतार लेना और जब आप उसको लाओगे तो मैं देखूंगा। अब हमारा दूसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर प्रवृत्ति देखी का है। आज का जो हमारा लेसन है वो पार्ट दो, पहला पार्ट हमने खत्म कर दिया है, दूसरा लेसन हम स्टार्ट किए हैं। उस दूसरा लेसन का नाम है मिया नसीरुद्दीन। मिया नसीरुद्दीन की जो लेखिका है वो है कृष्णा सोफ्ती। इसका भी मैंने आपको पार्ट का पूरा सार लिख के दे दिया ताकि आपके पास किताब नहीं होने के बाद भी आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकें। मिया नसीरुद्दीन जो है वो एक प्रकार का शब्द चित्र है जो हम कृष्ण संग्रह से लिया है। हम कृष्ण नाम का एक संग्रह है जिसमें मिया नसीरुद्दीन का एक चरित्र है, एक कहानी है और इस तरीके से वो चरित्र हमारे सामने खुलकर आता है कि मिया नसीरुद्दीन है और लेखिका इनके पास जाती है और इनसे कुछ सवाल जवाब भी करती है और ये कौन है इसके बारे में जानकारी हमारे कुछ लेसन में है। लेसन थोड़ा सा पढ़ूंगी, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगी और इसको आपको मैं समझा दूंगी कि जो लेखिका है वो एक दिन जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के बड़ैया मोहल्ले की ओर निकली। एक निहायत मामूली अमेरिक दुकान पर फटाफट आटे का ढेर सर के दे चुटकी, सोचा सेवैयों की तैयारी होगी पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़ी है। मिया मशहूर है 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए। लेकिन कहाँ चली गई, एक बड़ैया वाला मोहल्ला है
जहाँ पर एक दुकान है और उस दुकान के बाहर आटे से सना हुआ एक खेत दिख रही है। उन्होंने सोचा शायद सेवई बन रही होगी, लेकिन वह सेवई ही बनती थी, वहाँ पे रोटियाँ बनती थी। और वो दुकान की मियाँ नसीरुद्दीन की जो 56 प्रकार की रोटियों और रोटियों को बनाने के लिए मशहूर था। अब हमने जब अंदर झांका तो मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा दे रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काली अंगूलापन और पेशानी पर मजे में कारीगर के तेवर थे। हमें ग्राहक समझ कर मियाँ ने जरा नजर उठाई और पूछा, फरमाइए मतलब क्या है कि क्या बात है, आपको क्या कहना है? जिजक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछूं, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने 5000 के अंदाज से सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा सा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और बोला, मियाँ कहीं अखबार नबीस तो नहीं हो? अखबार नबीस का मतलब ये है कि पूछने वाले कौन होते हैं, ज्यादातर पत्रकार होते हैं जिनको कोई जानकारी चाहिए होती है। इसलिए मियाँ जी को ये अच्छे से मालूम था कि सवाल करने वाले भी अखबार वाले होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप अखबार नबीस हो। यह तो खोजियों की मुराफत है। खोजियों की मुराफत क्या है कि बोल बोल कर पूछते हैं कि क्या उनको पता करना है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। पढ़ने का मतलब ये था कि जो अखबार पढ़ता है और जो अखबार लिखता है ये दोनों ही निठल्ले होते हैं, इनको कोई काम नहीं होता। इनको बस यही काम है किसी की खोज करो, किसी के बारे में लिखो, किसी को ऐसा करो ऐसा अखबार वालों का। हाँ, काम काज ये आदमी को इससे क्या काम होता है, जिसके पास काम है, जैसे मुझे तो रोटियां बनाने का काम है तो मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे काम काज बनाने वालों को इससे कोई काम नहीं है। आपने यहाँ तक आने की हिम्मत उठाई है तो पूछिए कि आप पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म, इल्म का मतलब होता है क्या, आपने कहाँ से हासिल किया, 56 किस्म की आप रोटी बनाते हो तो ये रोटी बनाने का जो तरीका है ये आपने कहाँ से सीखा है, ट्रेनिंग कहाँ से। मियाँ नसीरुद्दीन ने आपके कंजे हम पर फेर दिए, मैं तरेर कर बोले, क्या मतलब पूछिए साहब, नान पाई इल्म लेने का कहीं और जाएगा क्या, नगीना साज के पास जाएगा क्या, आईना साज के पास जाएगा क्या, मीना साज के पास जाएगा। वो सवाल मुझसे करने लगे कि अगर ये इल्म सीखना, इल्म का मतलब ज्ञान सीखना है, मुझे कहाँ जाना होगा, क्या मैं कहीं बाहर जाऊँगा जैसे कि कोई नगीना साज नगीने जड़ने वाले या आईना आईना बनाने वाले या फिर मीनाकारी करने वाले, क्या इसे सीखूंगा या रफू कर या नहीं टेलरिंग का काम करते अंग्रेज भागने वाले फिर तेली का बोल तेलियों के पास ऐसा बोल रहे हैं। फिर क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खाना नहीं पेशा है, वो कह रहे मुझे कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये मेरा खानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात पूछी तो जो कुछ भी सीखा अपने बारे उस्ताद कह रहे हैं कि अगर मैंने ज्ञान सीखा है तो वो मैंने अपने वालिद से सीखा है। मतलब यह कि हम घर से नहीं निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आप बैठे हुएंगे कि कह रहे कि इसके लिए मैं कहीं बाहर नहीं गया, जो कुछ हमारे घर का एक पेशा था उसको मैंने अपनाया और जब मेरे पिताजी सिंधिया से चले गए तो मैं उनकी जगह पे आ गई। आपके वाले अब देखिएगा सवाल करने के, आपके वाले यानी अब वाले का भी परिचय हो कौन है। मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी हड्डी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है, फिर से हिलाया, क्या आंखों के आगे जिंदा जिंदा हो गया। हाँ, वे मशहूर नान भाई थे, कह रहे हैं पिताजी के बारे में पूछा तो पिताजी की जो शक्ल थी वो उनकी आंखों के आगे आ गई, वो कह रहे थे तो मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान भाई गड़ैया वाले के नाम से और उनके वाले यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नान भाई मियाँ कल्लन। अब उन्होंने अपने दादा का परिचय पिताजी का परिचय दोनों का परिचय दे दिया। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो, अगर किसी ने आपको कोई सीख दी हो तो उसे भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं।
नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता नसीहत से नहीं, ये बात सच है। अगर कोई हमें शिक्षा दे रहा है तो शिक्षा ठीक है, लेकिन अगर हम शिक्षा पर अमल करते हैं तभी उसका कुछ फायदा होता है। तो कह रहे नसीहत यानी सीख, ऐसे मिलने से कुछ नहीं होता, उस पर हमको काम करना होता है तभी उसका कुछ फायदा होता है। तो देखिएगा कह रही बजा फरमाया, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी क्यों इशारा किया इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो काम होता। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी दो तीन कश नीचे फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता दिए देते हैं। आप जानो जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद क्या कहता है। आप लोग का बोल रहे हैं कि जब बच्चा पहली बार जो स्कूल आता है सबसे पहले वो क्या सीखता है, यानी बच्चा क्या सीखता है। तो यहाँ पे कुछ उर्दू शब्द है, जैसे कि कहता है अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, अलिफ है कहा बे, बच्चा कहता है बे, जी बच्चा कहता है जी, ये अलिफ बे जी जो है एक दो तीन इस तरीके के शब्द है। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, समझे साहेब अगर वो गलत पढ़ता है तो क्या करता है जो मास्टर है वो उसको सजा भी देता है। एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़कर सामने से वो जगते मीर साहब को आवाज दे डाली, यानी वो आस पास जो गुजर रहे हैं लोग उनसे भी दुआ सलाम करते जा रहे हैं और लेखिका के सवालों का जवाब भी देते जा रहे हैं। मियाँ सुनील साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे, यानी मियाँ जो है कह रहे कि पहली पढ़ाई तो ऐसी होती जो स्कूल में होती है, अब दूसरी पढ़ाई ये है। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात को हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा ना पक्की में ना दूसरे में और जा बैठा तीसरी में। वो कह रहा है कि अगर वो छोटी क्लास में हो जाएगा और उसको बाहर नहीं बैठाएंगे और सीधे उसको तीसरे में बैठा देंगे तो क्या उसको पढ़ना आएगा। सवाल ये इनकी जमातों का क्या क्या हुआ इन तीन क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानवी अपनी बार बार निचोड़ भी निकालेंगे पर हम ही पर दागते हैं। फिर आप ये बताइए उन दो तीन जमातों का हुआ क्या, यानी देखिएगा उलझ गई अपने ही सवालों में कि हम तो सवाल पूछ रहे हैं और मियाँ जी हमसे सवाल कर, पर बात मेरी समझ के बाहर थी। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए, मतलब मेरा क्या साफ ना था वो शाही को अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना नहीं सीखे, हम मट्टी बनाना नहीं सीखते, मट्टी को आग देना नहीं सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीखते हैं। कह रहे हैं कि जब हम रोटी बनाने की कला जब सीख रहे हैं सबसे पहले हमको मट्टी जलाना आग जलाना आना चाहिए, कपड़े धोना बर्तन धोने आने चाहिए, आटा लगाना आना चाहिए, फिर रोटी कैसे बनती है उसको भी आना चाहिए, ये हुनर है। और फिर जैसे उन्होंने हमसे कुछ जवाब पाना चाहा फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। वो कह रहा है कि जिसको ज्ञान होगा कि मुझे ये पहले ये काम करना है वही आगे बढ़ सकता है। हाँ साईं माना, मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए, हमने ना लगाया होता खूंचा तो आज के यहाँ बैठे होते। वो कह रहे कि मैंने सबसे पहले खूंचा लगाया, दुकान नहीं बनी, कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो हमको थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है, एक छोटी सी जगह पे हमको स्थान मिलता है कि हम यहाँ से अपनी शुरुआत करें, एकदम से बड़ी जगह नहीं मिलती, बड़ी जगह हमारे हुनर से आती है। ये मियाँ नसीरुद्दीन से कहा, फिर मियाँ को पहुंचे वाले दिनों में भटकते थे अपने बात करो थोड़ा, आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई है। कह रहे मियाँ ने पूछा और तेरे पर खानदानी नहीं, सुनिए दिमाग में चक्कर काट दी, एक बार हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत अबू बादशाह सलामत के पास पहुंच गए, तो कह रहे कि यहाँ के लोग खानदानी नहीं हम लोग खानदानी, कैसे, क्योंकि हमारी जो नान भाई की दुकान है वो बादशाह सलामत के समय से चल रही है। अब वो पूछ रहे हैं बादशाह सलामत का मतलब क्या है, बादशाह सलामत कौन से। अब वो पूछ रहे हैं चाप बनाना, बादशाह सलामत ने फरमाया कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने, क्या उनसे बनी ऐसी चीज, क्यों ना बनती साहब बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई खूब सलाई, लगा हमारा ना कुछ ढंग लाया होगा। ये सब ने से पूछा ये पकवान क्या कोई खास चीज से बना था,
मियां कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचा भगवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी उठाई से बोले, ये हम नहीं बताएंगे। यानी पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे बादशाह सलामत किस तरीके से हमने रोटी खिलाई, भगवान बना के खिलाया, पूछा भगवान कौन से, यानी हमें नहीं बताएंगे और हम इसको नहीं बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि कहावत है ना कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, कहावत अब भी गड़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य ही पूरी करती है कुएं में रोटी बनाना। यानी तंदूरी आपने देखी होगी कि तंदूर होता है कुएं जैसा ही होता है ना, और उसको रोटी को क्या करते हैं उसकी दीवारों पर चिपकाते जाते हैं ताकि रोटी वहां से सीख जाए, और इसलिए वो कह रहे हैं कि कुएं में भी रोटी बना सकते। मियां ने करेगा और क्या झूठी बात, आप बताइए रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से रोटी पकेगी क्या, पकती देखी है कभी रोटी जना पकती है, हाथ से समझे से दिलाना बड़ा 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 ठीक फरमाते हैं। फिर इस बीच मियां ने किसी और को पुकार लिया। मैंने इस तरीके से जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है मियां की दिलचस्पी थोड़ी सी कम होती जाती है और वो लेखिका को टालने की कोशिश भी करते हैं और सोचते हैं कि लेखिका किसी दिन किसी यहाँ से जाए, आस पास के लोगों के संपर्क में आने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। अब लेखिका भी हार मानने वालों में से नहीं थी, उन्होंने सोच लिया कि टाइम मतलब समय गवा रहे हैं। उन्होंने फिर पूछा, मियां एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियां ने एक और बीड़ी सुलगा ली, सो कुछ फूर्ति पाकर पूछिए, अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो ना दे ले मेरी, कहने का मतलब तुम जान को ले दो मेरी, है ना, इससे भी अब क्या देंगे, सत्तर के हो चुके हैं, वो बता रहे हैं कि मैं 70 वर्ष का हूँ। फिर जैसे आपने से ही कहते हैं, वाले मरहूम को पूछ किया 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले, कह रहे कि मेरे पिताजी 80 की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए थे और मैं 70 का हो गया हूँ, मतलब मैं भी बहुत अनुभवी हो गया हूँ, उनका कहने का मतलब था। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बना है तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बाबरची खाने में तो काम किया ही होगा। मियां ने बेरुखी से रोका, यह बात तो पहले हो चुकी ना, अब दोबारा सिर्फ वो बादशाह सलामत की बात नहीं करना चाहते थे, है वो तो चुकी साहब का जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम करते थे। लेखिका भी कम नहीं थी, बादशाह सलामत का नाम सुनते वो बादशाह सलामत का नाम सुनने की कोशिश कर रही। अजय साहब क्यों बाल की खाड़ निकाल, कह दिया ना कि बादशाह क्या काम करते थे इसको क्या काफी नहीं, हम खिसिया के हंसी हंसे हैं तो काफी, पर जरा नाम लेने लेते तो उस वक्त का अंदाज मिल जाता, वक्त से मिला लेते को वक्त से मिलाते जनाब, हम वक्त से मियां हंसे जैसे हमारी बिल्ली उड़ा रहे हो, वक्त से वक्त को किसने मिलाया है आज तक, क्या पूछिए इसका नाम जानना चाहते हैं, दिल्ली के बादशाह का ना उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ का नाम बादशाह सलामत ही ना, कौन से बहादुर शाह जफर, मियां ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात लिख लीजिए, बस यही काम कह रहे हैं कि लिख लो अपने तरीके से ही लिख लो, कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक का भेजना, कह रहे हैं कौन से वो बादशाह जिंदा है कि मुझे उनके आगे कोई चिट्ठी विट्ठी भेजनी है, कि डाक खाने वालों को ये सही नाम पता है जरूर, इसका मतलब क्या था। मियां ने सिर दी, ऐसे ही लेखिका को बता रहे थे कोई बादशाह सलामत नहीं थी, केवल एक बोलते दूर या चालाकी से अपनी बात को कह रहे थे, हमें बेटर बेटर अपनी तरफ देखते पाए तो उसे दिलाया, हमने कारीगर से बोले, अरे वो बपन मियां फटी सुलगा दो काम से निकले, ये बपन मियां कौन है साहब, मियां ने रुखाई से जैसे फाक ही काट दी, अपने कारीगर और कौन है, मन में आया कुछ नहीं आपके बेटे पे भी है, पर मियां ने स्थिति के चेहरे पर किसी दबे हुए अंदड़ के आसार देख यह मजबूर न छेड़ने का फैसला किया, इतना ही कहा ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। लेकिन काफी डर गई थी कि उनका चेहरा बदल गया था कि अब वो लड़ पड़ेंगे या गुस्सा हो जाएंगे, खाली शागिर्दी ही नहीं साहब इनके मन भी देता हूँ, 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी, हाँ ज्यादातर हड्डी पर कौन सी रोटियां पका करती थी, आपको अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं थी फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बहुत सारी रोटियां बनती थी, रोटियों के नाम भी मैंने आज लिखे हैं आपकी मोबाइल में देख लेना कौन कौन सी है, बाकर खाने शीरमा दाफ्ता बेसनी खमीरी रुमाली गाँव गीता गाजेबा टुंकी, फिर देवर चढ़ा हमें घूर कर कहा टुंकी पापड़ से ज्यादा मही होती है मही, हाँ इसी दिन खिलाएंगे आप। एक आए मियां की आंखों के आगे कुछ कौन गया, एक लंबी सांस भरी और किसी
गुमशुदा याकूत आजा करने को कहा, उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पगारे खाने की कदर करना चाहते थे। मियां क्या रखा है, निकाली तंतु से अरेली और हजम। मैंने का मतलब कि क्या है कि आज इस मुलक की कोई वो नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वो कह रहे हैं कि आज तो लोगों को बस पेट भरने से मतलब, क्या हिदायत खिला दिया है, उसका कैसा स्वाद है, किसी किसी को कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए चाहे कैसा भी खाना बनाओ पेट भरना है। आजकल के लोगों के पास समय नहीं है कि वो तसल्ली से खाना खा सके, इसलिए कह रहे हैं कि आज वो कदरदान नहीं है और तंदूर से निकली हुई रोटी खाई और हजम हो गई, चलाने का भी समय नहीं है। तो ये वो बता रहे हैं। अब इससे हमको क्या पता पड़ रहा है कि मियां नसीरुद्दीन कौन, एक छोटी सी बात है कि मियां नसीरुद्दीन नानबाई, नानबाई यानी रोटी बनाने वाली। ये कैसे बनाते थे रोटी, 56 किस्म की रोटी बनाने का हुनर था, बहुत सारी रोटियां बनाते। और इन्हीं नानबाई का वो क्या कहना चाहिए कि इंटरव्यू बोल दो या पूछताछ बोल दो कि कैसे क्या कर रहे हैं, लेखिका उनसे पूछ रही है और वो सोच रहे हैं कि कहीं अखबार वाले या किसी किताब वाले तो नहीं है, तो पूछ कर पूछ रहे हैं। और जब वो अपनी मशहूरियत बताते हैं, बादशाह सलामत की बात करते हैं, लेकिन जब लेखिका बादशाह सलामत का नाम जानना चाहती है तो कर जाती है, जवाब देना नहीं चाहती है। और आखिरी में ये स्थिति हो जाती है कि लेखिका फिर आगे कुछ भी पूछने के हक में नहीं रहती, तो लगता है कि अगर मैंने अब कुछ पूछा तो मुझ पर बरस पड़ेगा। नानबाई से ये यहाँ तक इन्होंने लिखा है कि इस तरीके के ये मियां नसीरुद्दीन नानबाई थी। ओके, और अब मैं प्रश्न उत्तर भी आज आपको लिख के भेज दूंगी, इसके जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनके उत्तर भी होंगे, वो आप लोग अपनी कॉपी में उतार रहे। ठीक है, अब हम गुरुवार को मिलेंगे। आज हमारा लास्ट था, आज गुरुवार शुक्रवार शनिवार हम तीन दिन हमारी हिंदी की क्लास लगेगी और गुरुवार से वापस हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम इस क्लास को बंद कर हमेशा जो टीचर क्या करता है कि ना इसलिए गलत करता है। बोला सब काम शुरू से कर दिया करो, वापस बाल विनय मंदिर की साइड पे आओ, उसके सर्वर की साइड पे चले गए। टीचर को लॉगिन अपने अपने आईडी पे करना है। कौन से आईडी अभी ऊपर देखा मैडम ने, जब वो साइन आउट करते हैं ना आपने क्लास की मेंबर सुनो मैडम को तो बोला आपकी क्लास की उसी में आप लोगों को नहीं क्या कह दी, तो फिर वो उसी में चल रहे हैं। ये मनीषा मैडम करो,
लाइन ऑफ अब निकलना है तो उनकी क्लास है इनकी क्लास है यहां से लॉन्च क्लास करके जब उधर जाते हैं हम बाएं एंड करते हैं ऊपर से बाएं आता है वापस टीचर को मिलने लोगों को बहुत डबल का लोडिंग करता है। अच्छा सो 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 यो मैडम क्लास कौन सी 12वीं क्लास है 12वीं हां और अलंकारी तो आप लोग में सब लिखो अलंकार चैप्टर चैप्टर नहीं अलंकारी अलंकार में आपको मैंने कल हम उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें हम उसके तीन भेद पढ़ रहे हैं है ना जिसमें वस्तु उत्प्रेक्षा हेतु उत्प्रेक्षा फिर फल उत्प्रेक्षा। तो वस्तु उत्प्रेक्षा जहाँ एक वस्तु अर्थात उपमेय में दूसरी वस्तु अर्थात उपमान की संभावना की जाती है। उत्प्रेक्षा में एक बात समझ लेना उसमें संभावना हो सकता है संभावना मतलब क्या हो सकता है वाली हो सकता है ठीक है। जैसे सोहत उड़े पीर पट श्याम सलोने का सोहत उड़े जैसे पीला वस्त्र ओढ़कर यानी श्याम जो है वो सलोने उनका शरीर वैसा लग रहा है मनो नीलमणि सैर पर आतप परिप्रहार ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि की एक शिला पर जब सुबह की जो धूप पड़ती है वैसे ही कृष्ण भगवान का जो शरीर है वो पीला वस्त्र धारण किए हुए है इसका मतलब नील का। फिर आया हेतु उत्प्रेक्षा जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना अहेतु और हेतु हेतु का मतलब है कर्म है ना कारण है ना तो वो कह रहा है कि उसमें संभावना अर्थात जो जिसका कारण ना हो उसे बल पूर्वक कारण मान ले ठीक है। जैसे मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए यानी ताते राते पाए कठिन आंगन चली सुकुमार स्त्रियों के लिए बुला है क्योंकि चरण लाल हो गए। चरण लाल का मतलब ये है कि वो किसी कठोर जगह पर चली है इसलिए उनके जो चरण है वो लाल है जबकि वो स्वभाव से ही लाल है तो ये मान लिया है वाने मान। तीसरा है फलोत्प्रेक्षा अफल में फल की संभावना अफल में फल की संभावना जैसे स्वर्ण शालियों की कलमें थी दूर तक फैल रही शरद इंदिरा के मंदिर की मानो हुई है इसमें धान की फसल लगाई है उनकी बागियों की कतार लगी हुई है और शरद कालीन जो लक्ष्मी है वो शोभा यानी उसकी शोभा है और वो मंदिर में जाने वाली पगडंडी की संभावना की है जैसे लक्ष्मी जी का मंदिर है और ये जो धान की जो फसल है जो धान लगी हुई है स्वर्ण शाली सोने की सड़क बताई है ना बड़ी सुंदर कल्पना उसमें ये मिल रहा है कि लक्ष्मी जी का मंदिर स्थापित है और उस मंदिर में जो सड़क जा रही है सोने की बनी हुई है। अब ये सड़क क्या है ये सड़क है वो धान की फसल उसको सड़क बोला और धान की फसल आपको मालूम है कि धान कैसी होती है धान ऐसी होती है स्वर्ण जैसी ना उसको सोने की फसल है तो उसको बोल रहा है कि वो पगडंडी हो ठीक है। अब हमारा अगला जो है वो है उदाहरण अलग होगा और एक विरोधाभास अलंकार
ये दो अलंकार उसके बाद वाला अलंकार का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। उदाहरण अलंकार में जहाँ सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात या जन प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, समझना उदाहरण, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। अब कोई भी बात को जब समझाते हैं उदाहरण देते हैं, है ना? जैसे मैं भी बहुत सारी बात आपको समझाती हूँ, कोई उदाहरण देती हूँ, कभी कहानी भी बता देती हूँ, ऐसा नहीं है, जिससे कि आपको वो बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर हम किसी बात को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं तो वो उदाहरण अलंकार। जैसे मन मलिन तन सुंदर जैसे विशल सुंदरा तन खट जैसे, कह रहे हैं कि अगर सुंदर शरीर है लेकिन मन मलिन है, कहने का मतलब मलिन का मतलब हमारा मन अच्छा नहीं है, हम बहुत सारी गंदी बातों की सोच रखते हैं, हम किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते, तो सुंदर शरीर होने से फिर क्या फायदा? जिसका मन खराब हो, जिसके मुंह से गलत शब्द निकलते हो, कहते हैं मन में जो भरा होता है वही मुंह के द्वारा बाहर आता है। जब तक इंसान बोलता नहीं है, एक बार देखना कि जब तक इंसान कुछ बोलता नहीं है तब तक वो अच्छा लगता है ना, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने लगता है तो उसके मन की सारी बातें, उसके मन की सारी बुरी भावनाएं पता लग जाती है, वो ही बोल रहा है कि मन मलिन तन सुंदर कैसे विश्व सुंदरा कनक खट जैसे। कनक मतलब सोने का घड़ा, कनक का मतलब क्या है? सोने का घड़ा, और उसमें क्या भरा है? विश्व रस से भरा सोने का घड़ा, स्वर्ण घट जिसको कहते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या भरा है? किसी को किसी के किसी का जीवन लेने वाला, यानी वो विश्व रस से भरा है। समझ में आया? ये उदाहरण अलंकार का उदाहरण है ना, उदाहरण अलंकार का ये उदाहरण, समझ गए हमने इस चीज को। अच्छा, अब हमारा ये जो लास्ट है विरोधाभास, विरोध कभी ना किसी बात से ना खुश रहते हैं या हमारी कोई बात किसी की बात हमको अच्छी नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं? विरोध करते हैं, है ना? तो वो ये विरोधाभास होगा। इसमें क्या लिखा? जहाँ वास्तविक विरोध ना हो किंतु अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता है। जहाँ वास्तव में विरोध नहीं है लेकिन फिर भी हम विरोध करते हैं, ऐसा लगता है कि हम उसके फेवर में नहीं है या हम उसके पक्ष में नहीं है, विरोध सा जान पड़ता है, उसको कहते हैं विरोधाभास। जैसे सुधी आए सुधी जाए, लिखा हुआ दिख रहा है? अनिल जी सर, ये बीच में एक कैप्शन आ रहा है, छोटा कोई चीज का इशारा कर दे। सुधी आए सुधी जाए, अब सुधी, सुधी का मतलब क्या है? सुधी एक सुधी है याद, दूसरी सुधी है चेतना, ठीक है? आप समझ में आया? एक सुधी क्या है? याद है, दूसरी सुधी है चेतना। अब इसमें यह है कि एक सुधी याद आने पर दूसरी सुधी चेतना अर्थात उसका सुख दुख हो जाना, जैसे कि प्रियतम की याद, प्रियतम की याद आने के बाद प्रियतमा की सुख दुख हो गया, बात हो गई ना, सुधी आए और सुधी जाए, चेतना जाओ, याद का आना और चेतना का जाना, ये हो गया विरोधाभास अलंकार। यानी एक सुधी आने की और एक सुधी जाने की बात कर रहा हूँ, यानी विरोधाभास अलंकार का ये एक उदाहरण है। अच्छा, अब हम एक बार फिर से वापस पूरा अलंकार समझो, क्योंकि आने लास्ट है, अगला जो गुरुवार आएगा तो मैं शब्द शक्ति पढ़वाऊंगी, ठीक है? तो जो कुछ मैंने आपको लिख के भेजा है उसको कॉपी में अच्छी तरीके से लिखना। सबसे पहले अलंकार, जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं होगा कि अलंकार क्या है। अलंकार ये होता है, अलंकार एक आभूषण है, एक गहना है,
किसी चीज को सजाने का वो अलंकार करना, अलंकृत करना जिसको कहते हैं, इसको अलंकार कहते हैं। ये मनुष्य स्वभाव से सुंदरता की ओर आकर्षित होने वाला होता है, उसको अपनी आंखों में सुंदरता बड़ी अच्छी लगती है, मतलब हर सुंदर चीज की ओर आकर्षित होता है, ये व्यक्ति का गुण है। ठीक है, तो एक उदाहरण भी है कि अगर स्त्री जो है सुंदर होने के बाद भी वो इतनी आकर्षक नहीं लगती जब तक वो कुछ गहने नहीं पहनती, और जब गहने पहन लेती वो संपूर्ण सौंदर्य से भरपूर लगने लगती है, वो अलंकृत हो जाती है, अलंकारों को धारण कर लेती है। अब ये तो रही स्त्री की बात, अब यहाँ अलंकारों का मतलब क्या है। अलंकार काव्य में प्रयोग होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार है। प्रयोग अलंकार का काव्य में होता है। जब हम लोग पद की या पद की व्याख्या करते हैं तो विशेष लिखते हैं और विशेष में जहाँ पद होता है वहाँ हम अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं। पंक्तियाँ जो होती है वो अलंकार से भरपूर, यानी किसी काव्य में रस पैदा करने के लिए, किसी काव्य को सौंदर्य प्रदान करने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। ये तीन तरह से इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इनको कहें कि अलंकार के तीन भेद, सबसे पहला है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उपमालंकार। शब्दालंकार, शब्द के कारण चमत्कार हो वहां पर शब्दालंकार, अर्थ के कारण चमत्कार हो वहां अर्थालंकार, दोनों के कारण चमत्कार हो वहां होता है उभयालंकार। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब हम पहला हमने लिया था शब्दालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, एक आता है अनुप्रास, दूसरा आता है यमक और तीसरा आता है उत्प्रेक्षा। ठीक है, अब अनुप्रास की जब हम परिभाषा बोलते हैं कि कैसे लिखते हैं, तो लिखा उसमें है जहाँ बार बार वर्णों की आवृत्ति होती, आवृत्ति है ठीक है, बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक मशहूर उदाहरण है चंद्र के चार चार गाना भी, अब इसमें आपको भी पता पड़ जाएगा कि इसमें कौन सा वर्ण आ रहा है बार बार, इसमें आ रहा है च वर्ण। ठीक है, कौन से अलंकार का उदाहरण हुआ, अनुप्रास। ठीक है, वैसे ही भगवान ने भक्तों की बुरी बीती भगाई, अब इसमें कौन सा अलंकार है, सॉरी कौन सा वर्ण बार बार आया, तरनी तनुजा तट तमा, इसमें कौन सा अलंकार आया, सॉरी वर्ण आया तब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता पड़ गया कि ये उदाहरण अगर आएंगे तो वो कौन से अलंकार के कारण है, अनुप्रास। ठीक है, ये अनुप्रास का हो गया। अब आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में उसकी परिभाषा ऐसी है कि यहाँ पर शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उनका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार। प्रत्येक बार उनका अर्थ भिन्न हो वहां पर यमक अलंकार, मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द या शब्द समूह, वर्णनी शब्द, शब्द या शब्द समूह। उदाहरण के लिए हमने क्या लिया था, कनक कनक देख सौ गुणी मादर का अधिकाए, बाप आए जब और आए जरिया, मतलब कनक कनक एक कनक स्वर्ण एक कनक धतूरा और दोनों को खाने से क्या हो जाता है, इंसान की स्थिति खराब हो जाती है, पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है, उसको इस तरीके से कहते हैं। एक उदाहरण और था, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी का मतलब ये है बेर। ये उन रानियों का जिक्र है जब शिवाजी के प्रकोप से महल छोड़कर सब भाग गए थे, उस समय की बात है कि जब वो महलों में थी तो तीन बेर, बेर यानी समय, यानी वो तीन समय भोजन करती थी, लेकिन जब वो जंगलों में भटकने लगी,
उनके कपड़े भी फट गए। तो वो तीन बेर, आपने देखा होगा जंगलों में बेर लगी होती है, वो बेर खा करके अपना गुजारा करती है। ठीक है, ये हुआ। अब इसके दो उदाहरण है, दो भेद हैं, एक है अभंग्यमक और दूसरा है सभंग्यमक। अभंग्यमक में इसमें पूरे शब्द की आवृत्ति होती है, जैसे कनकम पूरा शब्द है, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है। जो मैंने उदाहरण दिया वो अभंग यमक का है। दूसरा है सभंग यमक, जहाँ शब्दांश की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार, पूर्व क्रम यानी जो पहले शब्द लिखा है उसी वैसे ही आवृत्ति लास्ट शब्द की होती है। जैसे कुमोदिनी मानस मोदिनी, कुमोदिनी मानस मोदिनी। ठीक है, ये हो गया अभंग यमक के उदाहरण और सभंग। अब आता है श्लेष। श्लेष क्या है? जिस वाक्य में एक शब्द केवल एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, जैसे पानी गए ना उभरे मोती मानस जू, पानी गए ना उभरे मोती मानस जू। पानी शब्द एक है लेकिन इन तीनों के लिए जो पीछे जो तीन शब्द थे मोती मानस जू, मोती के लिए पानी चमक रखता है। ठीक है, सीप में मोती है ना, सीप का मोती समंदर में ना पानी। ठीक है, फिर दूसरा है मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी उसका सम्मान उसकी इज्जत है। आपने देखा और कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कि उसका पानी उतार दिया, ऐसे बोलते हैं, पानी उतार दिया उसकी इज्जत उतार दिया उसका अपमान किया, तो ये पानी उसके लिए इज्जत उसका सम्मान। ठीक है, तीसरा है चूना, चून यानी चूना, चूने का इस्तेमाल तभी होगा जब आप उसको पानी में लगाओगे, तभी चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तीनों के लिए पानी अलग अलग अर्थ रखता है। फिर आता है सुवरन को ढूंढत फिरे कभी कामी और चूना। सुवरन ऐसा समय जब चारों ओर सन्नाटा हो जाए, अंधकार हो जाए, वो समय इन तीन लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण। सबसे पहला कवि, कवि के लिए ऐसा समय बहुत अच्छा होता है जब उसे अपनी कविताओं करने का एक समय मिल जाता है। फिर आता है दूसरा है कामी, कामी यानी दुराग चरित्र, वो रात के अंधेरे में और सन्नाटे के लिए अपने उस कार्य को अंजाम देता है। फिर आता है चोर, चोर को भी ऐसे ही समय की तलाश होती है जिसमें वो अपने मकसद में काम कर सकते। समय तो एक है लेकिन इन तीन लोगों के लिए वो समय अलग अलग अर्थ रखता है। तो शब्द अलंकार में अनुप्रास यमक श्लेष समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आया अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहला है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार जहाँ एक से धर्म स्वभाव शुभा या दशा वाले दो पदार्थों की तुलना की जाए, दो पदार्थों की तुलना एक से धर्म स्वभाव दशा वाले। ठीक है, जैसे चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है, यानी एक सौंदर्य की प्रतीक युक्ति के लिए कहा है कि उसका जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, अच्छा उपमा में चार अंग बताए गए हैं, पहला अंग कौन सा उपमेय, दूसरा अंग है उपमान, तीसरा अंग है वाचक और चौथा अंग है समान गुणधर्म। उपमेय में क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए जैसे मुख, उपमान में जिससे तुलना की जाए जैसे चंद्रमा, वाचक शब्द ही महत्वपूर्ण है जो आपको पहचानने में आसानी पैदा करते हैं। वाचक शब्द आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये वाचक शब्द कौन से हैं जिससे उपमा अलंकार पहचाना जाता है वो भी मैंने आपको लिख दिया। वाचक है समान सा सादृश सरिस सम सो सरिस सहित, ये इस तरीके के जो शब्द है ज्यों, ये सब जो है वो वाचक शब्द। और वाचक शब्द जब है तो इनसे हम उस अलंकार को अच्छे से पहचान सकते हैं। ठीक है, फिर आता है समान गुणधर्म। समान गुणधर्म में क्या है, सुंदरता सौंदर्य
ना, चंद्रमा को भी सौंदर्य का प्रतीक कहा गया है और स्त्री भी सौंदर्य की प्रतीक है, इसलिए उसको चंद्रमा के समान बताया है। तो समान गुणधर्म में क्या आया? सुंदरता। अब सबसे पहले आप वाचक जो है, जो शब्द दिए हैं उनको याद करेगा, ये इम्पोर्टेंट चीज। अगला आता है, इसके भी उदाहरण है, जैसे पूर्णोपमा और लोकोपमा। पूर्णोपमा चाहे उपमा के चारों अंगों का, चार अंगों से उनमें मान वाचक और समान होता, इनका कथन होता है वह पूर्णोपमा यानी पूरे चार अंग शामिल है वहां पे। पूर्णोपमा अलंकार होता है जैसे राम लखन सीता सहित सुभद्र पर्ण दिखे। राम लक्ष्मण सीता एक साथ अपनी पर्णकुटी में सोते हैं। लोकोपमा जहाँ उपमा के चारों अंगों में से कुछ अंग नहीं होते, लुप्त मिसिंग होता है ना, जैसे वह नव नरिनी से नेत्र वाला कहाँ है, अब ये मिसिंग है, ठीक है, इसलिए धर्म लोकोपमा, पुलिस कठोर सुनंद कठोर। वाचक लोकोपमा चंद्रमुख चमुदिस हेरत, वाचक धर्म लोकोपमा मतलब ये अपने आप में पूर्ण नहीं, इसलिए अब आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, यहाँ पर आरोप लगता है उसको मान लेते हैं, जैसे माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि दीप पर। माया दीपक, माया समान दीपक नहीं बोला, या माया जैसा दीपक नहीं बोला, वो सीधा बोला माया दीपक है ना, तो और नर को पतंग कहा। भ्रमि भ्रमि दीपे, उसके भ्रम में पड़कर अपने आप को खत्म करते, संसार है माया इसमें है, वो दीपक के समान है, मनुष्य जो है वो पतंगे के समान है जो इस संसार की मायाओं में फंस जाता है और उसे निकल नहीं पाती। तो यहाँ माया दीपक, ये आपको समझ में आ गया इसमें कौन सा रूपक है, माया दीपक और नर पतंग। दूसरा था अवधेश के बालक चारे सदा तुलसी मन मंदिर में घेरे। अवधेश के बालक, अवधेश के चार बालक है जो तुलसीदास जी के मन मंदिर में, अन्न रूपी मंदिर रूपक अलंकार आरोप, ठीक है, मन मंदिर में बिहरे उसमें पास करते। अब इसके तीन भेद हैं, सांख रूपक जहाँ उपमेय के अंगों पर उपमान का आरोप किया जाता है, जैसे अंबर पनघट में डूबो रही तारा कटुषा नागरी। अंबर पनघट, अंबर को पनघट ही मान दिया है, उषा नागरी उषा को नायिका मान दिया है, और तारा रूपी घड़ ये इसका उदाहरण। फिर दूसरा भेद है निरंग रूपक, यह शुद्ध रूपक है, यहाँ केवल उपमेय पर ही उपमान का आरोप किया जाता है, उसके अंगों पर नहीं है, जैसे अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। फिर आता है तीसरा पारंपरिक रूपक, जहाँ दो रूपक एक साथ, कौन कौन से, बढ़त संपत्ति शरीर मन सरोज बढ़ी जाए, दो रूपक कौन से, संपत्ति शरीर और मन सरोज, दोनों ने अंडरलाइन किया हुआ है, देख लेना उसको। फिर अगला आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, जैसे प्राण प्रिया मुख जगमगाती नीले अंचल चीर मन मुख कला निधि छल मलय काली दीपे नी। प्राण प्रिया जो सुंदरी है उसका जो मुख है जगमगाता हुआ है, और नीला जो आंचल है उसमें से वो निखर के सामने आ रहा है, और कैसे दिख रहा है, कला निधि कृष्ण के, जब कृष्ण यमुना नदी में नहाने जाते थे, तैरने जाते थे, तो जब वो उनका जो चेहरा है जब नदी में से बाहर निकलता था तो ऐसी सुंदरता उसमें बताई गई। फिर इसके वाचक शब्द, उत्प्रेक्षा अलंकार के भी वाचक शब्द है, मानो जानो मनो जनो मनो जनो मनो मानो, ऐसे बहुत सारे शब्द है वो भी लिखे हुए हैं, याद कर लेना। फिर मैंने आपको बताया वस्तु प्रेक्षा, पहला है वस्तु प्रेक्षा जहाँ एक वस्तु अर्थात उपमेय में दूसरी वस्तु अर्थात उपमान की संभावना की जाती है, जैसे सोहत घोड़े की त्रिपट श्याम सरोने का मनो नील मणि शैल पर आत्मलो प्रभाव, जैसे मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। फिर आया हेतु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा जहाँ हेतु में हेतु की संभावना की जाए अर्थात जो जिसका कारण ना हो उसे उसका कारण मान लिया जाए, वहां हेतु प्रेक्षा होती है, जैसे मनो कठिन भांगन चली ताते राति पाए। फिर आता है फलोत्प्रेक्षा, अफल में फल की संभावना करना, उसको कहते हैं फलोत्प्रेक्षा। स्वर्ण शालियों की गर्मी थी दूर दूर तक फैल रही, शरद निद्रा के मंदिर की मानो कोई गैर रही, वो कारण भी लिखा हुआ है क्या है, ठीक है। फिर आता है उदाहरण अनुसार,
जैसा कि आपने बताया जहाँ सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात या जन प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। मन मलिन सुंदर कैसे विश्व सुंदरा कनक भट्ट जैसे, समझ में आया? अगर सुंदर शरीर है तो मन को भी सुंदर होना चाहिए तभी वो संपूर्ण सौंदर्य कहलाता है, और यदि सुंदर शरीर होने का मन गंदा हो तो वैसे ही हो गया जैसे कि कनक भट्ट यानी सोने के घड़े में विष रस का भरा होना, वो विष रस के समान है। ठीक है, ये हो गया उदाहरण अलंकार। लास्ट है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है, जहाँ वास्तविक विरोध ना हो अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता, जहाँ वास्तविक विरोध नहीं होने के बाद भी उसका जब हम अर्थ निकालते हैं तो हमको अलग अलग समझ में आता है। तो विरोध वास्तविक विरोध जानना हो लेकिन हमें तो उसको अर्थ करने का विरोध सा जान पड़े तो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है, जिसे सुधी आए सुधी जाए, प्रियतम की याद आने पर सुदृढ़ हो जाना, एक भी याद आई और सुरबुद हो गए। ठीक है, आज का हमारा ये इतना काम हो गया। अब अगली जब क्लास हमारी गुरुवार को लगेगी तो उसमें हम नया टॉपिक लेंगे शब्द शक्ति। तो अलंकार हमारा खत्म हो गया है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो मेरे को फोन करके और मेरे से बात कर सकता है, जब वो पूछ सकता है मैं उसको और समझा डिटेल में, डिटेल में लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, परिभाषा याद करनी है और जो वाचक शब्द दिए हैं उन वाचक शब्दों को याद करना है ताकि आपको कोई सी भी पंक्ति आए आप उसको पहचान लो, क्योंकि बोर्ड में पंक्ति आएगी और आपको अलंकार पहचानना पड़ेगा, जब पंक्ति नहीं पहचानोगे तो अलंकार भी नहीं लिख सकते, तो आपके दो नंबर कम हो जाएंगे। दो नंबर के लिए इतनी मेहनत करना जरूरी होगा, अभी आप सब घर में हो आराम से बैठ के सब परिभाषाओं को वाचक शब्दों को याद कर लेना, चाहो तो जो पंक्तियां मैंने तुमको लिख के भेजी हैं उन पंक्तियों को भी आप दिमाग में फिट कर लें। ठीक है, अब अगला जो क्लास हमारी चलेगी गुरुवार को चलेगी आप, उसमें हम शब्द शक्ति नया टॉपिक हम देंगे। ठीक है बेटे, आज की हमारी क्लास खत्म।